दोस्तों प्रभास अन्ना की अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898 के ऊपर प्रशांत नील ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाने का पावर रखती है, क्योंकि नाग अश्विन ने इस बार कुछ नया ट्राई किया है और साइंस फिक्शन की दुनिया में इंडिया एक स्टेप और आगे जाने वाला है, क्योंकि सिनेमा लेवल के ऊपर आज से पहले इतनी खतरनाक मूवी कभी भी बनाई नहीं गई थी। उसी के साथ ये भी न्यूज़ आ रही है कि कल्कि 2898 का जो टीजर है वो 8 मार्च को रिलीज किया जाने वाला है, उसको लेकर भी बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है और इसका एक पूरा इवेंट भी ऑर्गेनाइज होने वाला है जो कि साइंस फिक्शन बेस होगा। यहाँ तक के जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पर इवेंट किए जा रहे हैं कल्कि 2898 के। दुनिया भर के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर इस मूवी को प्रमोट किया गया है। यहाँ तक के टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर कल्कि 2898 का जो ग्लिम्स है उसको भी प्ले किया गया, उनकी रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट की गई, यानी कि जो टीम है वो प्रॉपर तरीके से अपनी इस मूवी के लिए एक्साइटेड है और इस मूवी को पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने का भी फैसला किया गया है। और इस मूवी को लेकर डायरेक्टर नाग अश्विन का कहना है कि ये मार्वल और डीसी की मूवीज के मुकाबले की मूवी है, इसको बड़े स्केल के ऊपर बनाया गया है, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खर्चा किया गया है, इसके वीएफएक्स को भी हॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने डिजाइन किया है। तो भाई आप सोच सकते हो कि प्रभास अन्ना कितना बड़ा धमाका लेकर आ रहे हैं और सलार के बाद प्रभास अन्ना एक नया यूनिवर्स दिखाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और वहीं आज वो लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं जो कि आदि पुरुष के बाद प्रभास को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि भाई प्रभास तो फ्लॉप हीरो बन गया है, अब उनको मूवीज नहीं करनी चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जब शेर दो कदम पीछे लेता है इसका मतलब बड़ी छलांग लगाने वाला है, और ये वो छलांग थी जो कि प्रभास ने प्लानिंग करके रखी हुई है। पहले सलार, उसके बाद कल्कि 2898 और राजा साहब जैसी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की अनाउंसमेंट्स हो चुकी है, यानी कि तीन तीन सुपरहिट मूवीज बनाने का पूरा फैसला किया है प्रभास ने, और उन लोगों का मुंह बंद करने का पूरा फैसला करके ही ये मूवी अब रिलीज करने वाले हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, कितना कलेक्शन हो सकता है, क्या ये दुनिया की और इंडिया की नंबर वन साइंस फिक्शन मूवी बन सकती है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अगर आप प्रभास अन्ना के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज के साथ जुड़ जाओ और हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ ताकि आपको कल्कि 2898 की हर एक आने वाली अपडेट से आगाही मिलती रहे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।